विगत दिनों जो विधानसभा के चुनाव हुए थे और उन चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर हमारे ऊपर कार्रवाई करना पार्टी का अधिकार है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं चूंकि विगत 40 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहा हूं, ये 2023 का दिसंबर चल रहा है, मैंने 1984 से पार्टी ज्वाइन किया था। इंदिरा जी की हत्या 31 अक्टूबर को हुई थी और उसके बाद दिसंबर में मैंने और 85 का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें विद्यार्थी के रूप में कार्यकर्ता के रूप में हुई, तब से निरंतर स्टूडेंट्स यूनियन में, NSUI में, फिर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, फिर जनपद अध्यक्ष के रूप में, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में और जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया। विगत 2018 में मुझे पार्टी ने सिवनी विधानसभा का टिकट दिया था, उसे लड़ा, हालांकि परिणाम सफलता में नहीं मिलने पाई, मगर एक सम्मानजनक स्कोर यहाँ पे हमने किया। इस बात को यहाँ पर कहना चाहता हूँ और यह भी मेरा मानना है कि संगठन सदैव सर्वोपरि होता है। व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो संगठन से कोई भी संगठन दुनिया में जो भी संगठन चाहे राजनीतिक सामाजिक धार्मिक जो भी संगठन तो हमेशा सर्वोपरि होता है। मगर ये जो कार्रवाई की गई इस संबंध में मेरा ये कहना है कि ये जो कार्रवाई है ये दुर्भावनावश है और मुझे ऐसा लगता है कि बरघाट के पूर्व विधायक अर्जुन कपूरिया वो मुझसे दुर्भावना, इसका परिचय विगत पंचायत चुनाव में भी कुछ दे चुके थे, जबकि पंचायत चुनाव गैर दलीय होता है और मैं तो पंचायत राज जब से चालू हुआ है 1994 में इसकी स्थापना हुई है तब से मैं पंचायत के चुनाव लड़ते आ रहा हूं और मेरे क्षेत्र की जनता ने जहां से बोला था लगातार मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उनका भी पर पिछले चुनाव में पंचायत चुनाव को आधार बनाकर निष्कासन की कार्रवाई, मैंने अपनी बात रखा निष्कासन निरस्त भी हो, मगर जिस तेजी से बगैर पक्ष सुने कार्रवाई करने की जो परंपरा उनके कहने पे चल पड़ी उस बात को लेकर मेरा यह भी कहना है कि ये जो जितने भी आरोप लगाए गए हैं ये सब झूठे और निराधार हैं, इनके पीछे केवल दुर्भाव है, कहीं कोई आधार या कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि मैं लगातार चुनाव क्षेत्र में काम किया हूं, आप पूरे बूथ मंडल सेक्टर से जाके पता कर सकते हैं और अभी तो ककोड़िया जी के क्षेत्र के कुछ कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक रूप से भी कहा था कि वो अपने कर्मों से हारे हैं तो उसके किसी अन्य को दोष देने की आवश्यकता नहीं। तीसरी मेरी आपत्ति प्रक्रिया को लेकर, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान में हमारा संविधान और कानून है,
यहां पर बड़े से बड़े अपराध करने वाले को भी उसका पक्ष सुनने का अवसर मिलेगा। इस संबंध में मेरी शिकायत कि मुझसे मेरा पक्ष नहीं, और अगर कोई ऐसी बात थी कोई प्राथमिक स्तर पर कोई शिकायत किसी ने किया, कम से कम यही जांच पड़ताल कर लेते वो सही है गलत, क्योंकि इसके तो हजारों प्रमाण मिल जाएंगे कि मैंने पूरे क्षेत्र में पार्टी के पक्ष में काम किया है और सदैव से करता आ रहा हूं। प्रारंभ से ही इनकी नियत होगी, कारण कि पूरा चुनाव प्रचार करवा लिया, 17 तारीख को वोटिंग होगी, मतदान संपन्न हो गया, मतदान के 10 दिन बाद 26 नवंबर को शिकायत हुई और 29 नवंबर को चिट्ठी जारी हो गई, 3 दिसंबर को मतगणना हुआ और उसके 2 दिन बाद सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी, मतलब आप सोचिए कि इनको लग प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ, इसलिए मैं करूं। और मेरा इस संबंध में यह कहना है कि निष्कासन तो मैं ये मांग कर रहा हूं आपको, निष्कासन तो अर्जुन काकोड़िया का होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पिछले नगर परिषद के चुनाव में और हाट नगर परिषद में भाजपा की परिषद बनाने में कांग्रेस के पार्षदों को अपनी गाड़ी से, तमाम अखबारों में आप सब लोगों ने देखा होगा वो छपा, पर पार्टी ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। मेरी इसमें आपत्ति है कि जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी, ये देश का पहला मामला होगा कि कांग्रेस और भाजपा मिलाकर परिषद चला, जिनके लोग हमारे राष्ट्रीय नेताओं पे इतना आरोप और लांछन लगाते हैं, हम उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए, हम अपने सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्या जवाब। तो ये मेरा मानना है। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति कई चुनाव कांग्रेस के खिलाफ लड़ा हुआ, 1990 में, 98 में लड़ा, 3 चुनाव उन्होंने लड़े और उसकी वजह से कांग्रेस वहां गर्त में चली, अब वो कांग्रेस में आके हम लोग जो पैदाइशी कांग्रेस उनको सिखाने की कोशिश में है कि कांग्रेस कैसी है, और नतीजा साफ है, तो जनता ने नकारा उनको किसी दूसरे पर भरोसा रोपण करने की बजाय आत्मचिंतन, और यह भी मैं बता दूं कि उनके अलावा विधानसभा सिवनी के प्रत्याशी श्री आनंद पंजवानी ने भी, ये भी मुझे प्रदेश कांग्रेस का आयोजन, तो मेरा इस संबंध में कहना है कि इन्होंने भी जो कार्रवाई की है वो भी दुर्भावना से ही कर सकती है, और मेरी छवि को आम जनता में और पार्टी कार्यकर्ताओं में धूमिल करने की कोशिश, क्योंकि अगर कोई ऐसी बात थी तो चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही कार्रवाई करनी, तो मेरा इस संबंध में कहना है ईश्वर के यहां क्या होता है कि वो बक्स दिए जाते हैं, वो बक्स दिए जाते हैं जिनकी किस्मत खराब होती है, पर वो हरगिज नहीं बक्से जाते जिनकी नियत खराब होती है। फैसला ईश्वर उससे उधार। दूसरा एक बिंदु मेरा और है कि हार का ठीकरा दूसरे लोगों पर फोड़ने की बजाय जनता जनार्दन के फैसले को सिरोधार्य। मैंने भी 2018 में चुनाव लड़ा पर मैंने किसी को दोष नहीं दिया, जबकि कांग्रेस के कई नेता खुलकर भीतर बात कर रहे, वो किया लोगों ने,
आप में से बहुत लोगों को मालूम है, प्रेस से जुड़े हुए लोगों आपको सब जानकारी है। और अध्यक्ष जी ने तब तो कुछ समझाया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सुन्नी विधानसभा के जो प्रत्याशी पहुंचे हैं ये उस समय भी युवा कांग्रेस के थे, और कई दिन इनको मैं रेगुलर फोन करता, कई दिनों के प्रयास के बाद ये मिले, और मैं ये चाह रहा था कि ये नगर पालिका चुनाव लड़ चुके हैं तो उसके अनुभव का लाभ लेते हुए मैं इनका उपयोग शहर में करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा था कि आप शहर तो एक तो कई दिन मिले और उसके बाद तो ग्रामीण क्षेत्र के तरफ मिला। मेरा अगला कहना ये है माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पुराना साहब जो कि हमारे पार्टी के सम्मान के पूरी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, मगर ये सब हम लोग भली भांति जानते हैं कि पुराना जी ने बिल्कुल इस चुनाव में इस तरह से अपना रोल प्ले किया कि वो केवल सिवनी विधानसभा के पूरा चुनाव वो कार्यालय में बैठ के लड़ते रहे, और कभी उन्होंने मैदान में जाने की, फील्ड में जाने की कोई जहमत नहीं, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि उनको जाना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सहयोग नहीं है, मेरा कहना है कि जबकि मैं इस सिवनी विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी रहा हूं और कई वर्षों बाद 2018 में पार्टी को इतने अधिक वोट प्राप्त हुए थे, उसके अलावा मैं लगभग जनपद और जिला पंचायत के 4 चुनाव लड़ और जीत चुका हूं, उस अनुभव का तो कोई ध्यान नहीं रखा गया, ना कोई सलाह मशवरा लिया गया, बल्कि मेरे को 2 मंडलम की जवाबदारी यानी 20 बूथ की जवाबदारी उन्होंने सौंप दी कि आप ही 20 बूथ। तो मेरा कहना है कि वो 20 बूथ में जाके वहां के बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेके मंडलम सेक्टर ब्लॉक अध्यक्ष किसी से भी आप पूछ लेंगे कि मैं वहां रहा काम क्यों, तो अगर नहीं किया तो वो तो बोल रहे पार्टी में तो राजनीति से थी क्या पत्र। और मेरा कहना यह कि जब पूरा चुनाव ही संगठन में लड़ा तो केवल 2 व्यक्तियों पर ठीकरा फोड़ के आप मुक्त नहीं, भाई जब लड़ा सबने जिम्मेदारी की सबकी होनी चाहिए, बल्कि मेरा तो ये भी कहना है कि आपको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्याग पत्र की पेशकश करना चाहिए, संगठन क्या करता भी गलत प्रश्न, पर हमको जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। और ये सब बातें मुझे सीधी रखनी पड़ रही है क्योंकि समाचार पत्रों और उसके माध्यम से मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया, इसलिए मैंने बात रखी। और मैं अपनी जो बात है वो तो